Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aaj sabse pehle dua karun ke Allah Taala aap logon ko, aapki family ko, puri duniya mein jahan bhi aap log dekh rahe hain, shaitan mardood ke fitnon se mehfooz rakhe. Uske baad aaj baat karenge Capricorn ke liye June ka mahina 2024 kaisa rahega. Pyar mohabbat ke liye bahut zabardast mahina aaya Capricorns ke liye. एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स जो कैप्रिकॉर्न हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे फ्रूटफुल साबित होगा. इसमें आप कोई नई प्रॉपर्टी, नई लैंड, कोई ऐसी एक्विजिशन करते नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी परचेज करते नज़र आ रहे हैं, कोई प्लाट, मकान, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इसमें एक्सपेक्टेड है इस महीने में कैप्रिकॉर्न्स के लिए, कि वो ऐसा जो है वो कोई ख़रीदारी में नज़र आते हैं. वह तौफीक होगी इस महीने. हैप्पीनेस महसूस होगी घर में, घर में हैप्पीनेस का माहौल बना रहेगा, खुशियाँ हर तरफ होंगी और अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए और आप लोगों को जो आप लोगों की खुशियाँ देखनी नसीब करें. अब इसमें एक चीज़ हर वीडियो में मुझे बतानी पड़ रही है कि हम मून साइन या राइजिंग हाउस या असेंडेंट से बता रहे होते हैं. वेस्टर्न जो कैप्रिकॉर्नियंस हैं उनके लिए हो सकता है ये बातें फिट ना आए, तो वो अपने आप को जो है इसमें इन्वॉल्व ना करें. वो जाके किसी भी वेबसाइट पे अपना मून कैलकुलेटर खोल के मून साइन कैलकुलेटर में अपना वक्त, जगह और टाइम डाल के अपना मून साइन निकाल लें या राइजिंग हाउस निकाल लें, तो ये फिर आपको जो है वो इस तरह की फोरकास्ट जो है, जो हमारी खसूसा, वो बैठती हुई महसूस होगी और काफ़ी हद तक क्लोज, क्योंकि मून से 60% आपकी जो फोरकास्ट बेहतर होती है और इसी तरीके से जो 40 होती है वो असेंडेंट से या आपकी महादिशा जो चल रही है उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं उससे पता चलता है. इसलिए पर्सनलाइज अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट या काम हो या कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव काम हो या रिस्क हो, तो फिर तो पर्सनल कैलकुलेशन ही आपको बर्थ चार्ट के ज़रिए लेनी चाहिए. अगर आप रूटीन वाइज एक एज ए शौक या एंटरटेनमेंट कुछ देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर आप ये जो वीकली, मंथली जो भी फोरकास्ट होती है इसको फॉलो भी कर सकते हैं. इसमें अचानक इस महीने तो बड़े एक्सपेंस का सामना करना पड़ सकता है, मतलब जो पहले आपको ख़र्चा नहीं पड़ने वाला था, अचानक ऐसा महसूस हो कि अब आपके लिए कोई नया एक्सपेंस खड़ा हो जाए. और इसके साथ साथ केयरफुल जो डेट्स हैं 7 और 8 हेल्थ वाइज और 12-13 स्ट्रेस और डिसीजन पेंडिंग रखने की है, और जो 22 और 23 तारीख है इसमें कोई ख़र्चा हो सकता है. जेबों में हाथ डालें, ATM घर भूल जाएं और या ऐसे किसी शॉपिंग के वेंचर पे ना निकलें. अगर रोक पाए अपने आप को तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 22 और 23 तारीख जो है एक्सपेंसिव डेट है. जॉब के लिए 13, 14, 15, 21, 22, 23 बेस्ट टाइम होगा अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए या जॉब पे कोई और प्रेजेंटेशन या कोई ऐसा टास्क. बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा. स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट टाइम चलेगा इस महीने. और लव के लिए, लव लाइफ के लिए 6 तारीख जो है वो अच्छी है. मैरिज जो है वो इस महीने को ख़ास उसमें अट्रैक्शन नहीं नज़र आती. शेयर मार्केट के लिए 24-25 जो है वो अच्छा टाइम है. फिनांस की भी डेट जो है 24 और 25 फिनंशियल बेस्ट डे होंगे इस महीने के. इस महीने में ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी एक अच्छा टाइम होगा. प्यार मोहब्बत मियां बीवी में और घर के माहौल में बहुत अच्छी रह सकती है, बहुत अच्छा इसमें एंजॉय करते नज़र आते हैं इस महीने. और ये ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स के लिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन है, प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है एक मादा जमा करने में भी बड़ा इनके लिए हेल्पफुल टाइम है. तो ओवरऑल ये जून का महीना कैप्रिकॉर्न के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त होगा. वैसे कैप्रिकॉर्न्स को सैटर्न रूल कर रहा है और आजकल इनके एक्वेरियस हाउस में बैठा है, तो इनके लिए तो वो जो है, अगर इनकी से सेकंड हाउस में है कैप्रिकॉर्न्स के लिए, तो डेफिनेटली इनको ज़मीन से जुड़े काम, वुडन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और कोई कमीशन के से जुड़े कामों से वेल्थ बनाने का कैप्रिकॉर्न्स को वैसे ही बहुत मौका मिलेगा. और ये अगले साल तकरीबन जो है वो
2025 के अप्रैल तक रहेगा, और इस जुलाई में जब रेट्रोग्रेड होगा तब भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आप लोग तो तैयारी रखें, अभी आपका पैसा जमा करने का टाइम शुरू है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हिस्सा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कोशिश कर किया करें कि सपोर्ट करें इसको, ताकि मेरी इनकरेजमेंट बने। सारी बात, फ़ायदा तो मुझे अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाने का, और यूनिक वे में कोशिश करूंगा कि हम इन फोरकास्ट को मज़ीद आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करके ला सकूं। और लेकिन इसमें आप लोगों की अपनी हेल्प सपोर्ट दरकार रहेगी, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, और ताकि मैं भी इसमें जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं। और उम्मीद करता हूं आप लोग इस पर ज़रूर मदद करेंगे। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले महीने के तक के फोरकास्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।